दोस्तों, चीन के करतूतों के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया से छिपी नहीं है चीन के करतूतों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के एक ऐसे करतूत के बारे में जिसे पूरी भारतवर्ष के सारे लोगों को पता चलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो का टाइटल होने वाला है, नेपाल की नागरिक बनकर भारत में रह रही थी चीनी जासूस, पकड़ी गई तो बोली चीन मुझे मारना चाहता है। तो इस वीडियो को डिटेल से जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। चीन की एक जासूस नेपाल की नागरिक बनकर भारत में करीब 3 सालों से रह रही थी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारत विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल एक 50 वर्षीय यानी चीनी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक काइडुओ नाम के चीनी महिला 2019 से बौद्ध भिक्षु बनकर भारत में रह रही थी। पुलिस को उस पर शक हुआ, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया समाचारों के मुताबिक एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से लिखा, काइडुओ नाम के एक चीनी महिला को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद से डोलबा लामा नाम के नेपाली नागरिक प्रमाण पत्र बरामद हुए। हालांकि यह पाया गया कि चीनी नागरिक है, यह एक चीनी नागरिक है। उसने 2019 में चीनी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भारत की यात्रा की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने चीनी महिला काइडुओ के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते पीएस स्पेशल सेल में धारा 120B के साथ 419, 420, 467, 474 इंडियन पीनल कोड और 14 फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि काइडुओ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और शातिर महिला है। महिला ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उसे मारना चाहते थे, इसलिए वो भारत भाग कर आए। वो भारत में नेपाली नागरिक डोलमा लामा बनकर रह रही थी। महिला ने यह दावा किया कि वो नेपाल के काठमांडू में रहती है, काठमांडू के निवासी है। उसने नेपाली प्रमाण पत्र भी दिखाए। हालांकि वो पुलिस से फटराटेदार अंग्रेजी में बात कर रही थी, लेकिन उसे नेपाली भाषा नहीं आती थी। कहा तो ये जा रहा है कि यही से पुलिस को शक हुआ, इसलिए जांच के बाद पुलिस के पास सारा मामला सामने आया। पुलिस को यह भी पता चला कि वो फटराटेदार चीनी भाषा भी बोलती है। बाद में पुलिस को पता चला कि उसके नाम से एक चीनी पासपोर्ट जारी हुआ था और वो उसी पासपोर्ट के आधार पर भारत आई थी। 2019 में उसने भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में रानीगंज सीमा क्षेत्र के माध्यम से नेपाल में प्रवेश किया। बाद में नेपाली नागरिक आईडी हासिल करने के बाद उसने भारत में प्रवेश किया। भारतीय अधिकारियों के पास उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार वो चीन के हेनान प्रांत की निवासी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो वो जासूस पूरे देश भर में अशांति पैदा करना चाहती थी। और दोस्तों, यह है चीन का करतूत। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि देश के हर लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचे। और आज के इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो, फैक्ट वीडियो से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।